Hello everyone, welcome to the channel. Aaj hai 12th of September and in this video we are going to discuss all important questions related to current affairs. For PDF of this video, link is in the description. For PDF you can join us on Telegram. To join on Telegram you have to simply search GK current affairs regular essay and join. You can follow us on Instagram for more updates. So watch this video till the end as it's going to be very useful for all your competitive exams including your JKSSP, 4th class and account assistant. So let's get started with our first question. Who has launched Climate Smart Cities Assessment Framework CSCAF 2.0? जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क है वो किसने लॉन्च किया है? तो श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क. ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ क्लियर रोड मैप फॉर सिटीज टुवर्ड कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज व्हाइल प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग देयर एक्शंस along with investment. So this is the objective of Climate Smart Cities Assessment Framework jisko launch kiya hai Shri Hardeep Singh Puri ji ne, jo Minister of State for Housing and Urban Affairs hai. Next question, who launched Central Bank Digital Currency Testing Platform? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो किसने लॉन्च किया है? मास्टर कार्ड है, इन्होंने ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. एक वर्चुअल टेस्टिंग इन्वायरमेंट होगा ये सेंट्रल बैंक्स को, वो ताकि वो असेस और एक्सप्लोर कर सके जो नेशनल डिजिटल करेंसीज है उनको. अगर हम मास्टर कार्ड की बात करें तो CEO हैं अजय बांगा एंड हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में. तो सो मास्टर कार्ड लॉन्च्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म. देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही वीडियो हमने डोगरा डायनेस्टी पे एक वीडियो बनाई है, वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है. तो अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखिएगा. आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि डोगरा डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने रूल किया है जम्मू एंड कश्मीर में. सो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है. तो उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है हमारे इसी चैनल पर जेके करंट अफेयर्स रेगुलर एसे पे. सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इंट्रोड्यूस आई स्टार्टअप 2.0? कौन से बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 इंट्रोड्यूस किया है? तो ICICI बैंक है जो इसने ये जो आई स्टार्टअप 2.0 है इसको इंट्रोड्यूस किया है टू कैटर टू द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. तो ICICI बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया. ICICI बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडेंस हैं संदीप बख्शी, टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका. सो ICICI बैंक है जो उसने आई स्टार्टअप जो 2.0 है उसको इंट्रोड्यूस किया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ? किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की आपस में टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग यूथ को, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए? तो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एंड लिंक्ड इन है, इन दोनों ने जो आपस में पार्टनरशिप की है यूथ को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए. सो इसमें अबाउट 10 लर्निंग पाथ्स होंगे जिसमें 140 कोर्सेज होंगे जो कि फ्री अवेलेबल होंगे ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 11th of March 2021 तक, सॉरी मार्च 21 2021 तक की जो ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे फ्री अवेलेबल होंगे. अगर हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो MD and CEO है मनीष कुमार, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और लिंक्डइन की बात करें तो CEO है रियान लॉसेंस्काई एंड हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. सो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड लिंक्डइन जो ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने पार्टनरशिप अपने अनाउंस की है टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज WHO's पैनलिस्ट? WHO के पैनलिस्ट 11 पैनलिस्ट हैं इनके WHO में, उनमें
किसको अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, सो प्रीति सूदन जो कि वो फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी थी, उनको अपॉइंट किया गया एज WHO's पैनलिस्ट अमंग 11 पैनलिस्ट, शी इज़ वन ऑफ द 11 पैनलिस्ट। तो WHO के बाद का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम। तो जो प्रीति सूदन है इनको अपॉइंट किया गया एज WHO's पैनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज क्राउंड वुशू वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वुशू वर्ल्ड चैम्पियनशिप किसको क्राउन मतलब किसने जीती या किसको क्राउन किया गया? तो पूनम खत्री इंडियन पुलिस ऑफिसर हैं ये, उनको दिया गया ये, जो इनकी अपोनेंट थे जिनको मिलने वाला था उनका डोपिंग टेस्ट जो वो पास नहीं कर पाई, सो अब जो गोल्ड मेडल है वो पूनम खत्री को मिलेगा। अगर हम इंटरनेशनल वुशू फेडरेशन की बात करें, प्रेजिडेंट हैं जोंगोवेन गो, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में, फाउंड हुई थी 3 अक्टूबर 1990 में। सो पूनम खत्री वॉज क्राउन वुशू वर्ल्ड चैम्पियनशिप। द फर्स्ट बैच ऑफ विच जेट फाइटर्स फॉर फॉर्मली इंडक्टेड इन टू इंडियन फोर्स ऑन 10th of September 2020। सो कौन से जेट फाइटर्स का जो फर्स्ट बैच है वो इंडियन एयरफोर्स में अभी शामिल किया गया है? सो रफाल फाइटर जेट्स आपको पता ही होगा, जो रफाल फाइटर जेट्स हैं ये अराइव हुए थे फ्रांस से इंडिया में 27th of July 2020 में। सो और 10th of September 2020 वो फॉर्मली इंडक्ट हो गए हैं इंडियन एयर फोर्स में, ये अम्बाला जो इनका एयरबेस है वहाँ से। सो एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, इंडियन एयरफोर्स फाउंड हुई थी 8th of September 1932 में, हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल गेट्स FCRA रजिस्ट्रेशन, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन कौन से जो टेम्पल है उसको मिल गई है? सो दिस इज़ गोल्डन टेम्पल, या फिर इसको हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं जो पंजाब अमृतसर में सिचुएटेड है। इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की रजिस्ट्रेशन मिल गई है, इट मींस दैट कि ये अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन को है रिसीव कर सकता है, और उसको जो नीडी पीपल हैं उनकी फाइनेंस या मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज़ कर सकता है। और इसके अलावा लंगर जो लगता है, जो एक फ्री कम्युनिटी किचन होती है, उसमें भी इसको यूज़ कर सकता है। सो गोल्डन टेम्पल है हरमिंदर साहिब को ये जो FCRA रजिस्ट्रेशन है वो मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज़ टू बी नेम्ड आफ्टर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी, सिद्धरूदा स्वामी जी हैं जो, उनके नाम पे कौन से रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा? सो हुबली रेलवे स्टेशन जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ के हेड रेलवेज़ का हेडक्वार्टर है हुबली रेलवे स्टेशन, उसका नाम अब श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे रखा जाएगा, जो एक हिंदू गुरु और फिलोसफर थे। सो हुबली रेलवे स्टेशन हैज़ टू बी नेम्ड आफ्टर हिम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? सो 105th रैंक है, 26 जो स्पॉट्स है ये नीचे गया है, मतलब प्रीवियस 2019 में ये 79 था, सो ये 105 हो गया है, तो 26 प्लेसेस ये कम हो गया है। तो ये था 105th रैंक है इस बार इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था कि विच बैंक वॉज रिकोगनाइज एज वर्ल्ड बेस्ट बैंक फॉर 3 years इन अ रो, लगातार 3 साल से कौन से बैंक को एज वर्ल्ड बेस्ट बैंक रिकोगनाइज किया जा रहा है? तो DBS बैंक है जो इसको ये लगातार 3 साल से इसने अपनी जो प्लेस है वो मेंटेन की हुई है, वो एज वर्ल्ड बेस्ट बैंक। सो DBS बैंक वॉज रिकोगनाइज एज वर्ल्ड बेस्ट बैंक फॉर 3 years इन अ रो। So this question is for you. You have to answer this question in the comment box. On which day World Suicide Prevention Day is observed? 10 September, 5 September, 8 September or 9th of September? So that's all from this video guys. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे
सारी वीडियोस मिल जाएंगी, नई पुरानी सारी। एंड हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी फॉर मोर अपडेट्स। एंड मैंने आपको जैसा कि बताया कि डोगरा रूलर्स पे वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं, और उसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, गो एंड चेक इट आउट। यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड हो चुकी है। सो एंड फॉलो अवर चैनल ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल अवर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज।